हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, उससे हम लोग कैसे निपटें, बिकॉज एट दिस टाइम, ये जो टाइम अभी चल रहा है, ये सबके लिए एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम कह सकते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों का सफ़र करना पड़ रहा है, आप जैसे न्यूज़ में देख ही रहे हैं। तो स्ट्रेस इज़ द मेनली रूट कॉज ऑफ दीज ऑल प्रॉब्लम्स। ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से, थोड़ा स्ट्रेस देखो ठीक होता है, थोड़ा एक हर एक इंडिविजुअल में थोड़ा बहुत स्ट्रेस होता है, बट अगर स्ट्रेस ज़्यादा टाइम के लिए है तो वो आपको डिप्रेशन कर सकता है और डिप्रेशन से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में हो सकती हैं और आप खुद को भी हेल्थ हजार्ड कर सकते हैं। तो ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेस की वजह से हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, स्ट्रेस के दौरान कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं और हम स्ट्रेस से कैसे निपटें। स्ट्रेस से एक्चुअली निपटना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हर एक इंडिविजुअल के मन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो इस तरीके की प्रॉब्लम रहती ही है कि कोई ना कोई पर्सनल इशू रहता है, कोई भी किसी भी कारण की वजह से एक पर्सन को स्ट्रेस होता है। बट अगर स्ट्रेस को अगर जल्दी ठीक कर लेते हैं तो कोई इतना शरीर के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बट अगर क्रॉनिक टाइम के लिए अगर स्ट्रेस रहता है तो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ के लिए, आपकी शरीर के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस एक अगर फिजिकल मतलब शरीर से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी फ्रैक्चर हो गया, कोई भी बीमारी हो गई, ठीक है, उसके साथ साथ अगर इमोशनल टेंशन है आपको, ये दोनों मिलके आपका जो रिस्पॉन्स क्रिएट करती हैं आपकी बॉडी में, जैसे कि फियर हो गया, डर हो गया, एंग्जाइटी हो गया, पेन हो गया, किसी तरीके का कोई फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा दिखाना, ये सब चीज़ें जो रिस्पॉन्स करता है, ये आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हुई लाइफ में, उसकी वजह से जो ये रिस्पॉन्सेस आते हैं ये आपका स्ट्रेस दिखाते हैं। बट अगर स्ट्रेस कम टाइम के लिए है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर प्रोलॉन्ग टाइम के लिए स्ट्रेस रहता है तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे तो चार तरीके के चेंजेस आते हैं हमारे शरीर में, कॉग्निटिव हो गया, इमोशनल हो गया, फिजिकल हो गया, बिहेवियरल हो गया। कॉग्निटिव मतलब आप कोई जजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी चीज़ की तरफ कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। फिजिकल में आप मान लीजिए कोई फिजिकल आप एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है। बिहेवियर, आपका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है, आपको एकदम अकेले ही रहना पसंद है, अकेले ही आप खुद को अकेला महसूस करते हैं, अगर और किसी से बात नहीं करना, एकदम आपका सोशल डिस्टेंसिंग कर लेना, खुद को दूसरों से सेपरेट कर लेना, ज़्यादा किसी से बात नहीं करना, ये आपके बिहेवियरल में आता है। उसके साथ साथ अगर आप फिजिकल में आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पेन आपको क्रिएट हो सकता है, चेस्ट पेन क्रिएट हो सकता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, चारों जो सिम्टम्स आते हैं, इसकी वजह से आप खुद पता लगा सकते हैं आप स्ट्रेस है कि नहीं है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई स्ट्रेस। अब स्ट्रेस किसके द्वारा कंट्रोल होता है, स्ट्रेस जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे शरीर में कॉर्टिसोल रिलीज होता है। अभी कॉर्टिसोल कौन रिलीज करता है, कॉर्टिसोल रिलीज होता है एड्रेनालिन, जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जो ये रिलीज करते हैं हमारा कॉर्टिसोल। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस हमारे लोअर ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो ये जो तीनों होते हैं इसकी वजह से कॉर्टिसोल रिलीज होता है। देखिए, कॉर्टिसोल का नॉर्मल रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर कॉर्टिसोल हाई हो जाता है, मतलब अगर स्ट्रेस आपका हाई हो जाता है और कॉर्टिसोल बिल्कुल कम हो जाता है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर आपका स्ट्रेस को ज़्यादा बढ़ता है तो आपका कॉर्टिसोल रिलीज होता है। तो कॉर्टिसोल कितना रिलीज करना है, कब उसको ब्लॉक करना है, ये डिसाइड होता है हमारे तीनों ग्लैंड्स की वजह से, एड्रेनल ग्लैंड्स हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया और हाइपोथैलेमस ग्लैंड हो गया। तो ये तीनों इसको कंट्रोल करते हैं कॉर्टिसोल को। बट क्या होता है, कभी कभी हम स्ट्रेस ज़्यादा लेने की वजह से हमारे शरीर में कॉर्टिसोल रिलीज होने लगता है। जब कॉर्टिसोल रिलीज होता है हमारे शरीर में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, हम कॉर्टिसोल क्या क्या कंट्रोल करता है, कॉर्टिसोल कंट्रोल करता है आपका बीपी, आपका शुगर। तो जैसे ही आपका कॉर्टिसोल हाई हो जाता है तो आपका बीपी हाई हो जाता है। आपने देखा होगा हार्ट अटैक की संभावना हो जाती है लोगों में, स्ट्रोक आने के चांसेस रहते हैं, और बार बार प्यास लगना और भूख ना लगना, इस तरीके के सिम्टम्स हैं ये बहुत ज़्यादा हाँ जाता है। आपका फेस फैट बहुत ज़्यादा होता है, स्वेलिंग कहेंगे जिस तरीके से, आपके पेट में फैट बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो ये जो सारी चीज़ें होती है, कुशिंग सिंड्रोम होता है, उसमें भी इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं अगर आपको हाई कॉर्टिसोल होता है। ठीक है, तो हाई कॉर्टिसोल को कैसे कंट्रोल करना है, मतलब हम लोग को स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करना है, उसके लिए हम एकदम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि हम कॉर्टिसोल को और हाई स्ट्रेस को कैसे कम करें। अब हम बात करेंगे हैप्पी हॉर्मोन्स। हैप्पी हॉर्मोन्स क्या होते हैं, जो हम
हम जब भी खुश होते हैं ना तो हमारे शरीर में हैप्पी हॉर्मोन्स का रिलीज होता है, जैसे कि डोपामिन हो गया, सीरोटोनिन हो गया, और ऑक्सीटोसिन हो गया, एंडोर्फिन हो गया, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। तो ये जो सारे हॉर्मोन्स होते हैं हम जब भी खुश होते हैं तो हमारे शरीर से ये हॉर्मोन रिलीज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डोपामिन की। सोचिए अगर आपकी तारीफ किसी ने कर दी तो डोपामिन रिलीज होता है, मतलब डोपामिन को ये है जैसे आप खुश हुए थोड़ा सा भी और आपको एक अच्छी वाली फीलिंग आती है ना, वो डोपामिन से आती है। अब हम बात करेंगे सीरोटोनिन। सीरोटोनिन भी हम जैसे कोई एक्सरसाइज करता है, आपने देखा होगा काफ़ी लोगों को एक्सरसाइज करके बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके शरीर से सीरोटोनिन रिलीज होता है, तो आपको बहुत अच्छे हैप्पी काइंड ऑफ फील होता है। ऐसे कौन से लोग हैं जिनको एक्सरसाइज करने के बाद बहुत खुशी फील होती है? बिकॉज मुझे पर्सनली बहुत खुशी फील होती है जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ। तो ठीक है, तो एक्सरसाइज करने से सीरोटोनिन रिलीज होता है, सीरोटोनिन आपको जो है हैप्पीनेस हार्मोन है, और जब भी आप खुश होते हैं आप एक्सरसाइज करते हैं और तो आपका सीरोटोनिन रिलीज होता है, तो ये भी एक हैप्पी हार्मोन हुआ। अब बात करेंगे ऑक्सीटोसिन की। ऑक्सीटोसिन एक लव हार्मोन है। लव हार्मोन मीन्स किसी भी टाइप का आप लव का, आपका फ्रेंड्स का, आपका फैमिली का, माँ का बच्चे से, बच्चे का माँ से, तो इससे जो लव हार्मोन होता है कर्लिंग करते टाइम आप जब भी मस्ती कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, लव कर रहे हैं, तो आपका ये हार्मोन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो ये भी एक तरीके हैप्पी हार्मोन है। फीमेल में स्पेशली इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग टाइम और प्रेगनेंसी के टाइम इस हार्मोन का बहुत ज़्यादा रोल होता है, बिकॉज ये लव हार्मोन है और ये मदर और बच्चे का जो बॉन्डिंग होता है उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है। तो अगर आप किसी से भी आपका अटैचमेंट अच्छा है और आपको जो भी कोई बहुत प्यार करता है उसके साथ अगर अपन टाइम स्पेंड करेंगे ना, तो आपका ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। नेक्स्ट विल मूव टुवर्ड एंडोर्फिन। एंडोर्फिन भी आपका एंग्जाइटी और फियर को कम करता है काफ़ी हद तक, तो एंडोर्फिन भी एक आपका हैप्पी हार्मोन है। अब बात करेंगे एस्ट्रोजन की। एस्ट्रोजन तो फीमेल हार्मोन है, तो इसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन हमारे एंग्जाइटी को कम करता है, हमको एक अच्छी वाली फीलिंग देता है, दैट वी आर स्ट्रांग इनफ टू फाइट एनीथिंग। तो जैसे जैसे हम मेनोपॉज की तरफ मूव करते हैं तो एस्ट्रोजन का लेवल डाउन होता जाता है, तो हम लोगों में एंग्जाइटी और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होने लगता है फीमेल्स में, तो उसको बैलेंस करने के लिए एस्ट्रोजन थेरेपी भी दी जाती है, साथ में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी दी जाती है। तो ये एक बेस्ट ट्रीटमेंट होता है अगर आपको फियर और उसकी तरफ आप मूव करें। नेक्स्ट विल मूव टुवर्ड प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन भी आपका एंग्जाइटी और डिप्रेशन से लड़ता है, बट जब आप टूवर्ड मीनोपॉज जाते हैं तो ऑब्वियसली इसकी क्वांटिटी भी कम होती है, तो इसके लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज होती हैं जो आपका प्रोजेस्टेरोन लेवल बरकरार रखती हैं। ये तो बात हो गई लव हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स की। तो एक स्ट्रेस हार्मोन हो गया, एक हैप्पी हार्मोन हो गया, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके, बट अब हमको ये इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम स्ट्रेस को कैसे हद तक कम करें। काफ़ी हद तक हम लोग कम कर सकते हैं, बट हमारे खुद के हाथ में हम लोगों को ये चीज़ पता नहीं रहती है। और हम जो हमारे हैप्पी हार्मोन उनको कैसे रिलीज कर सकें, ऐसे कौन से एक्टिविटीज़ करें जिससे कि हमारे ये हार्मोन्स रिलीज हो, हम खुश रह सकें, और खुश रह सकें तो ऑब्वियसली डिप्रेशन तो कहीं आसपास भटकने वाला नहीं है, बिकॉज आज की जो प्रेजेंट सिचुएशन है ना उससे लड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेंटल स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसके लिए हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले आपको क्या करना है। देखिए आपके आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है, बट जरूरी नहीं है आपका हर कोई फ्रेंड हो, ठीक है, तो हर कोई फ्रेंड हो और बहुत सारे लोग हैं तो आप एक ऐसा दोस्त बनाइए, वो कहते हैं ना दोस्ती करो एक से, वो भी किसी नेक से। जरूरी नहीं है बहुत सारे फ्रेंड्स, सेल्फी लेने के लिए केवल अपन को फ्रेंड्स नहीं बनाने हैं, हम लोगों को जो फ्रेंड्स बनाने हैं ना वो अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करने के लिए बनाने, उसके साथ साथ वो भी ऐसा फ्रेंड होना चाहिए जो हम लोग को गलत काम करने से रोके, ऐसा नहीं कि गलत काम में भी हमारा मोटिवेशन करे और उनको सपोर्ट करे, ठीक है। तो फ्रेंड एक ऐसा बनाओ जिससे अपनी सारी बातें शेयर कर सको, कोई भी फ्रेंड हो, एक्स वाई जेड, आपकी मदर आपकी फ्रेंड हो, आपके फादर आपके फ्रेंड हो, आपका कोई दोस्त आपका जिससे आप अपनी सारी बातें शेयर करें, एक्स वाई जेड, ठीक है, कोई भी आपकी फैमिली में हो सकता है, आपके फ्रेंड्स आपके सराउंडिंग में भी कोई हो सकता है जो आपको अच्छे सुझाव दे। तो मतलब आप ऐसा कोई व्यक्ति या मित्र रखिए जिससे आप अपनी सारी बातें शेयर कर सकें। ऐसा नहीं कि आप किसी को नहीं बताना है, तो वो चीज़ आपके माइंड में ट्रिगर करते करते कॉर्टिसोल लेवल हाई करते करते आपको आपकी शारीरिक प्रॉब्लम्स भी कॉज करेगा, साथ में आपका मेंटल प्रॉब्लम भी कॉज करेगा, ठीक है। तो कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम अपना रखिए जिससे आप सारी बातें के ऑब्वियसली जैसे हम बड़े होते हैं हम सोचते हैं अपने मदर फादर से डिस्कस नहीं करें, बट मदर फादर से डिस्कस मत करिए, बट एक पर्टिकुलर एक कोई भी अपना इस तरीके से फ्रेंड बनाइए जिससे आप सारी बातें अपने शेयर कर सकें। देखो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा नहीं, नो डाउट,
और मिलेगा क्योंकि हर चीज का सॉल्यूशन है। बट अगर नहीं भी आप सोचते कि एट अ टाइम कभी कभी सॉल्यूशन नहीं मिलता ऑन स्पॉट, तो आपको समझाने से तो चीज़ों का आपका जो अंदर फियर है, जो डर है किसी चीज़ को लेके, जो आपको कोई भी चीज़ प्रॉब्लम कर रही है, तो उससे आपको सॉल्यूशन मिल सकता है। सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई कि आपको अपना एक अच्छा मित्र बनाना, अच्छा फ्रेंड बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, हम लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए। देखिए आई प्रेफर योगा बेस्ट, मेडिटेशन बेस्ट है आपके मेंटल रिलेशनशिप के लिए। वैसे तो फिजिकल भी बहुत अच्छा है, बट मेंटली के लिए आपका सोचिए, आपका मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है, उससे बेटर तो मैं नहीं जानती कि कुछ होगा। मेडिटेशन आपको करना चाहिए, आप कुछ भी करके अपने लिए यार टाइम निकालो थोड़ा सा, ठीक है। टाइम निकालेंगे आप, मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन से आपको बहुत रिलीफ मिलेगा आपकी मेंटल। देखिए सबकी लाइफ में कोई ना कोई इशू है, बट अगर आप थोड़ा टाइम अपने लिए निकालेंगे तो इससे कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। 24 घंटे होते हैं यार, अगर 10-15 मिनट भी अपने लिए निकालो तो कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आप मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन से आपकी मेंटल जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक कम होगी, ठीक है। रूटीन तो चल रही है, पूरे दिन वही चलेगा, बट थोड़ा मेंटली रिलैक्सेशन करिए। आप योगा करिए, योगा इज़ द बेस्ट। आप पर्सनली अपनी हेल्थ, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल फिटनेस के लिए आप योगा करिए, आप एरोबिक एक्सरसाइज करिए। एरोबिक एक्सरसाइज भी आपके डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज करता है, उसकी वजह से आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप एक्सरसाइज ग्रुप में कर रहे हैं तो आपके जो हैप्पी हॉर्मोन्स हैं वो ज़्यादा रिलीज होंगे, रादर देन आप अकेले कर रहे हैं तो, ठीक है। तो आप एक्सरसाइज, आपको फोकस रखना है कि आपको अपने लिए टाइम निकालना है, एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बहुत आपके जो हैप्पी हॉर्मोन्स हैं वो रिलीज होंगे। साथ में आप उसके साथ साथ आप एरोबिक एक्सरसाइज करेंगे तो भी आपका डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज करके आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको एक्सरसाइजेस करनी है। आप योगा करना नहीं चाहते तो योगा सीख लीजिए, बहुत आजकल ट्यूटोरियल्स आ रहे हैं। आप योगा करिए, मेडिटेशन करिए, आप एक्सरसाइजेस करिए, एक्सरसाइज में भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, आप उसे सीख सकते हैं। आपको खुद को फिजिकल वेलबींग फील होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक्सरसाइज करेंगे थोड़ा भी फ्रेश एयर लिया ना आपने, आपका पूरा दिन काफ़ी एनर्जेटिक जाने वाला है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है, वो भी टाइप्स की होती है वो। कभी आप अगर चाहते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में एक्सप्लेन करूँ तो जस्ट कमेंट कि मैं अच्छे से आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसके बाद आपको मसाज लेना चाहिए। मसाज लेने से भी आपकी जो काफ़ी हद तक जो मेंटल टेंशन होती है, जो मेंटल उससे आपको काफ़ी मेंटल रिलैक्सेशन मिलने वाला है, तो आप मसाज ले सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे सोशल मीडिया से थोड़ा सा कम अटैचमेंट रखिए, आपके जो आसपास के लोग हैं उनसे ज़रा ज़्यादा बातें करिए। टाइम स्पेंड करेंगे ना तो काफ़ी अच्छा होगा। वो ऐसे कहते हैं ना, छोटे बच्चों के साथ और बड़े लोगों के साथ अगर आप टाइम स्पेंड करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा फील होगा, बिकॉज बड़े लोगों से ज्ञान मिलता है और छोटे लोगों से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, बिकॉज वो आपको हैप्पी फील कराते हैं, ठीक है। तो ये बात होगी। और जो इंडिविजुअल्स अकेले रहते हैं, जो लोग अकेले रहते हैं उनको पेट रखना चाहिए, बिकॉज ऐसा कहते हैं अगर आप पेट रखते हैं स्पेशली डॉग, तो डॉग आपको हैप्पी फील कराता है। आप उसको देख के कडलिंग करेंगे, वो आपको कडलिंग करेगा तो आपका डोपामिन रिलीज होता है, तो आप बहुत हद तक खुश रह सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग डाइट में क्या लेना है। डाइट में आप चॉकलेट, डार्क चॉकलेट तो भैया बहुत लाइक कहेंगे हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज करती है जब हम डार्क चॉकलेट खाते हैं। उसके साथ आप बादाम खा सकते हैं, आप सैल्मन फिश खा सकते हैं, आप ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हैं, इससे भी आपको काफ़ी हद तक हैप्पी फील होने वाला है। तो अपनी डाइट में कुछ इस तरीके का, कभी कभी चटपटा भी थोड़ा खा लीजिए ना, बिकॉज अगर चटपटा खाएंगे तो ऐसा नहीं है कि हमारी हेल्थ पे ऐसा इंपैक्ट डालेगा। देखो कभी कभार थोड़ा बहुत चलता है, तो थोड़ा बहुत चटपटा खाने से आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। जिन लोगों को स्पाइसी फूड्स पसंद है लाइक मी, तो आप चटपटा खाइए, उससे आपको काफ़ी अच्छा फील होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट, म्यूज़िक, गाने सुनना। भैया किस किस को पसंद है मुझे बताना। गाने सुनने से आपका स्ट्रेस काफ़ी हद तक कम होता है। चलो आप अगर गाने नहीं सुनना पसंद, आप डांस करिए, जो भी आपकी हॉबी है ना, अगर आप लोग स्ट्रेस में हैं तो आप डांस कर सकते हैं, बिकॉज डांस की वजह से आपको खुशी मिलेगी। म्यूज़िक बहुत अच्छा सोर्स होता है अपना स्ट्रेस कम करने के लिए। आप डांस कर सकते हैं, आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, आपको जिस तरीके का म्यूज़िक पसंद है लाइक गज़ल और एनर्जेटिक सॉन्ग्स, धूम धड़ाका, पॉप म्यूज़िक, किसी भी तरीके का अगर आपको म्यूज़िक पसंद है आप तो वो सुनिए। अपनी चॉइस, अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपने पे ध्यान दीजिए तो आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी। अब बात करेंगे विटामिन डी। वैसे लोग धूप में बहुत कम निकलते हैं आजकल, देखा गया है हम काले हो जाएंगे, हमें ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन डी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, ठीक है। विटामिन डी हमारे शरीर में हैप्पी हॉर्मोन रिलीज करता है, ठीक है। तो
सन बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए विटामिन डी आपके पास अवेलेबल, आप क्यों नहीं ले सकते, आप छत पे जाइए, अगर छत पे आप गार्डन में जाइए, आप कहीं भी जाइए, आप सन की थोड़ी एटलीस्ट 10 मिनट्स आप सन के सामने थोड़ा रहें, और आपको काले होने का मत सोचिए, बिकॉज जिसका जो कलर होता है वो वही रहता है, तो ये सब चीज़ें आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालेंगी। थोड़ा घर में, घर से निकल के थोड़ा बाहर जाइए, विटामिन डी लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है विटामिन डी, उससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है और साथ में साथ आपका जो हैप्पी हार्मोन भी रिलीज़ करता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हंसना, हंसना बहुत ज़रूरी है। योगा में देखा ना, बहुत जोर से हंसते हैं, हा 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 हा, तो ये जो हंसी होती है आपकी प्रॉब्लम, देखो प्रॉब्लम कम नहीं करेगी, बट ये जो हंसी होती है ना, ये हंसी आपकी जो डर है, जो आपकी प्रॉब्लम है, उससे आपका माइंड डाइवर्ट कर सकती है, और माइंड डाइवर्ट करने से आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिल सकता है। तो आर्टिफिशियल स्माइलिंग भी बहुत ज़रूरी है। आप जोर से हंसी है, बहुत ज़ोर से हंसी है, तो देखना आपके ऊपर नेगेटिविटी थोड़ा सा भी इम्पैक्ट नहीं डालेगी। तो ये सारी चीज़ें होप आपको पसंद आई होंगी, बिकॉज क्या चल रहा है ना सच में सराउंडिंग में, बहुत ज़्यादा लोग इससे नेगेटिव इन्फ्लुएंस हुए हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट तो देखो सोसाइटी में पड़ता ही है, और हम सब पे पड़ता है, हम भी अफेक्ट होते हैं, बट इस चीज़ से उभरने के लिए हमको खुद को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर खुद को पॉजिटिव रखेंगे ना, तो नेगेटिव चीज़ों से हम काफ़ी हद तक दूर रहेंगे, ठीक है। तो होप बहुत मेरा क्यूरियोसिटी की थी कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो ये वीडियो बनाया है। अगर आपको प्लीज़ पसंद आए तो एक थम्स अप दे देना, और प्लीज़ हाँ नेगेटिव चीज़ों से बिल्कुल दूरी रखिए। खुद के नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो अपने आप को इंडल्ज कर लीजिए उन चीज़ों में जिसका अभी हमने एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है। होप यू गाइड थोड़ा सा भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिली है इस वीडियो से, तो प्लीज़ एक थम्स अप दे देना, और कमेंट सेक्शन में लिखना आपको वीडियो किस तरीके कैसे लगा है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बिकॉज ये वीडियो शेयर करना बहुत ज़रूरी है ताकि सब तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे, ठीक है। तो होप यू गाइज एंजॉय द वीडियो काइंडली, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, दिस इज डॉक्टर ज्योति।